बोल लगाओ। तो ये सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं झूले बनाने से। कान्हा जी के लिए साक्षी और फ्रूटी झूला बना रहे हैं हम लोग। हर साल ही कान्हा जी के लिए जन्माष्टमी के दिन, मतलब जन्माष्टमी के लिए नया झूला बनाते हैं। सारा सामान लेकर आए हैं ये लोग झूला बनाने के लिए। तो पहुंचे घरे लहरे बनाने। अब तो रिवील कर दो। पानी है ना और बस। अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। हाँ क्या कर रही है? मैंने एक मिक्सचर बनाया है जिसमें मैंने पेपर लिया है, पेपर पानी इसको मैश करके एक मिक्सचर में। ठीक है, यूज़ कहाँ करेंगे? इसे पेड़ बनाने। ठीक है, और ये क्या है साक्षी? मैं इसको कमल कल दूंगी। देखा सुंदर फ्रूटी का भी अच्छा लग रहा है। अभी कलर वाले की बात। ठीक है, तो ये झूले की जो कान्हा जी की सीट है वो तैयार हो गई है। कमल बनाया है और ये दिखाओ, ये गद्दी है कान्हा जी के लिए। और ये फ्रूटी ने कंप्लीट कर लिया है, मतलब चल रहा है इसका काम। ये इसने इसको पेड़ का शेप दिया है और ये ऊन से इसको बना रही है और अंदर भी बहुत कुछ उसने किया था, मतलब इसको क्रिएट करने के लिए। और ये पॉम पॉम बना रही है अब साक्षी पेड़ों के पत्तियाँ बनाने के लिए। फ्रूटी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। साक्षी एक काम कर, कि जो पेन होता है ना, ये जो पेपर है ना, इसको तू पेन से रोल करेगी ना तो इसकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब खिल जाएंगी, ऐसा जैसे हो जाता है ना। अच्छा। क्योंकि ये पेपर उस तरीके का है, जो पेपर होता है ना। मेरी तो सुनेगी ना। हाँ। इसको ऐसे कर ले। ना? हाँ ऐसे करके। हाँ तो इसमें एक वो आ जाएगा नेचुरली। हाँ इस तरीके से सारी कर दे। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अनलिमिटेड। हाँ मतलब अच्छे खासे बना, बिल्कुल कवर करना है। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहा है। फिर कंपटीशन हो रहा है क्या तुम दोनों? नहीं मन ही मन चल रहा है। ये कर दे तुम, आप भी कर लो। चलो मेरी वो तली बन गई। ओहो उसको सही कर, नहीं नहीं हो जाएगी। हाँ, तो इसमें काम करना तो क्या हुआ? उसको ऐसे करके लिया, मोड़ के लिया। हाँ ये लिया, ऐसा लिया। इधर भी पेड़ बना दो क्या? नहीं नहीं उसको मोड़, पेड़ मत बना, उसको मोड़ के लिया। तो ये सारी जद्दोजहद चल रही है फेस के ऊपर पेड़ों को लगाने के लिए। पेस्ट तो लगाना पड़ गया फूडी। तू कैसे होल्ड कैसे होंगे एल्पिन? अरे जब तुम उसको बेस नहीं मिलेगा मैडम जी, होल्ड कैसे होंगे? अच्छा करने दे, सुनो मेरी बात, उसको इधर लगा के रखो, इतनी गीला है वो अभी। हाँ उसको अभी रखो, चढ़ो चढ़ो क्या हुआ, चढ़ो। किसमें? अच्छा चढ़ो 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 चढ़ो। अरे साक्षी रुकना थोड़ी देर, डांटना। हाँ बस क्या देखो, दर्द क्या वो देख ले। हाँ वो तो है ही, वो वाला जुगलू है ना वो बेस्ट है। इतना तो होगा, इसको कर ले फिर कल सुबह आएंगे। हाँ कैसे कैसे अब ऐसी बात बोलती तो कुछ नहीं बोल पाएगी। हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आज जन्माष्टमी का दिन है और सुबह से फ्रूटी पापा के साथ
कान्हा जी को घुमाने के लिए ले गई है। और अभी इतना बना लिया साक्षी फ्रूटी ने मिलकर झूला, बाकी बचा है अभी तो। यहाँ नीचे फ्रूटी सीप का वर्क कर रही है और अभी यहाँ ऊपर भी थोड़ा पेड़ दस को बनाना है तो बचा है अभी। इसमें कान्हा जी के लिए रसमलाई बनाएंगे, उसके लिए मैंने ये दूध फाड़ लिया है। अब इससे मैं रसगुल्ले बनाऊंगी। ये रसमलाई के जो वो रसगुल्ले होते हैं ये बना रही है। मैंने रसमलाई की रबड़ी बना ली है, रसमलाई की रबड़ी बना रही है और ये चाशनी बन रही है, इसमें रसगुल्ले बनाऊंगी। ये बन गए रसगुल्ले और साक्षी चाशनी में डाल रही है इनको। तो रसगुल्ले रेडी हो गए हैं और ये रबड़ी भी रेडी हो गई है। तो कान्हा के लिए रसमलाई तैयार हो गई है। हम लोग अभी कान्हा जी का वेट कर रहे हैं, फ्रूटी उन्हें सुबह से घुमाने ले गई थी तो इसलिए हम उनका वेट कर रहे हैं, कब आएंगे घर। और ये हमारे कान्हा जी घूमने गए थे, सुबह से घूम के आ चुके हैं। ये हम लोग भगवान जी को राखी आज बांधेंगे जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि हम लोग राखी बनाने के लिए चले गए थे तो भगवान जी को राखी हमारे जन्माष्टमी के दिन बांध रहे हैं, तो वो ये मैं राखियाँ बना रही हूँ। और भगवान जी के साथ साथ हम लोग अप्लाइंसेस जो भी होते हैं ना घर में, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं या गैस का चूल्हा होता है, इन सब चीज़ों को, कार है, व्हीकल्स हैं, सबको हम राखी बांधते हैं। तो आज हम बनाएंगे उसके राखी बना रहे हैं। और दीदी आप अपने जो कान्हा है ना छोटे से, उनके लिए छोटी सी प्यारी सी विग बना रही हूँ। अच्छा और कान्हा जी के लिए बर्थडे की स्पेशल ड्रेस जो है वो मैं और मम्मी बना रहे हैं। मैं कपड़ा बताती हूँ, ये वाला कपड़ा लेकर आए हैं। और मम्मी तो वैसे बनाती रहती है ड्रेस कान्हा जी के लिए बीच बीच में, बना लें जो अपन ने बनाई थी। कि ये पूरा घेर है और ये यहाँ से हमको गले से बांध देंगे और इधर यूँ पीछे बांध देंगे। और एक ड्रेस ऐसी रहती है कि अपन ऐसे घेर लगाएंगे बनाते हैं और यूँ लेके अपन इसको पीछे भी लेंगे, तो अपन इस टाइप की ड्रेस बनाते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस आपने जैसे ही बनाई है तो आप मतलब आपने तो बहुत अच्छी अच्छी नई तरीके की बनाई है, पर अपन ट्रेडिशनल बनाते हैं। ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस है ना उनकी, ये जो है अपन ये सारी ड्रेसेस इस टाइप की ड्रेसेस उनकी बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट इसका नाप हो, उसका घेर हो रही है कितना, ये है एक, इसमें दोनों एक एक है। हाँ ये थोड़ा छोटा है तो अपन ये एक ले लेते हैं, ये अपन ये ले लेते हैं घेर इसका दो ले लेते हैं, वो थोड़ा मोड़ेंगे भी ना, तो उल्टा भी जाएगा। दो 2.2 लो, दो लो, दो में थोड़ा सा मोड़ेंगे, चलो ये कम कर लो, कम दो इन काटो, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, दिखाओ उसको, लगाओ उसको, लगा के दो ही लग गया, कहां तक लग गया, बहुत कंफ्यूजन है यार, क्या मैं उल्टा करा शायद, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं यार, मेरे को तो वही अच्छी लगती है। बड़ी फिर कहाँ लगाओ, बड़ी कहाँ लगाओ, बड़ी के बारे में क्या सोचा, मुझे माता जी के फिंगर में लगाऊंगी अगर इसमें नहीं लगी तो, और बड़ी अच्छी लग रही है ना। हाँ बड़ी अच्छी लग रही है ना। तो ये मैं लेस को उस पर सीख कर रही हूँ, तो ये सीख कर दिया इस पर, पॉम पॉम लगा रही है, मतलब ये पेड़ का लुक दे रही है इसको। मैं माला बना रही हूँ कान्हा जी के लिए, इस तरीके से अभी इसको बनाना है, कंप्लीट करना बाकी है। नीचे यहाँ पे भी मोती अटैच करूँगी। देखो वाह बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो वहाँ वाइट वाइट दिख रहा है ना यार, देख नहीं नहीं ये तनों में, हाँ हाँ यहाँ ऐसा कुछ करना, उस तरफ भी दिख रहा है। मैंने माला बना ली है कान्हा जी के लिए, छोटे से हमारे कान्हा जी हैं उनके लिए माला बनाई है मैंने, छोटी सी माला। ड्रेस बनके तैयार है, ये कान्हा जी की चोली बनेगी ड्रेस की, हमें बहुत सुंदर लगी है। और ये है ड्रेस का घेर और ये मैं बना रही हूँ कान्हा जी का मुकुट। तो ये बहुत ही सुंदर सी मम्मी ने ड्रेस बना दी है कान्हा जी की, बहुत सुंदर ड्रेस लगी है ये। इसमें दो टाइप की लेस है, ये लेस लगाई है और ये का वर्क अभी चल रहा है, मुकुट बना रही हूँ मैं अभी, कंप्लीट नहीं है। छोटे छोटे से कमल बनाए हैं, देखो कैसे दूल्हे पे लगाएगी, मतलब नीचे रैंडमली इसको बनाए लगा देगी। ये मैं कान्हा जी का मुकुट बना रही हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा रुई लगा के ऊपर से हमारा प्लेट के अंदर से लेना है, साथ ही यहाँ पे भी कुछ करना है। ये कान्हा जी का मुकुट बन के रेडी हो गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये, इस तरफ नेट का वर्क है, ये पूरा ऐसा इसको टर्बल लुक दिया है।
ये है कान्हा जी का झूला, ये भी बनता रेडी है। ये यहाँ पे कमल लगा है छोटे छोटे नीचे, ये डोरी है झुलाने की ये, और ये पूरा बहुत ही सुंदर लग रहा है, बनके रेडी है। और ये 12 बज गए हैं जन्माष्टमी, कान्हा जी को उठा रहे हैं हम लोग, 12 बज चुके हैं। तो कान्हा जी की नई ड्रेस उनको पहना रहे हैं पहनाने के बाद। बाल थोड़ा बाहर निकाल ले, पहले माला पहना देते हैं। तो ये कान्हा जी हमारे रेडी हैं, कान्हा जी पूरी तरीके से रेडी हैं, माला पहन के बाल लगा के। तो कान्हा जी को पापा सेंट लगा रहे हैं अभी, ये कान्हा की बांसुरी लगा रहे हैं, ये कान्हा की बांसुरी। ये कान्हा जी रेडी हैं, ये कान्हा जी रेडी हो गए हैं, झूले पे बैठा रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बहुत सुंदर लग रहा है। ये क्या दीपक लगाओ, ये कान्हा जी की रसमलाई बनाई थी वो, ये कान्हा की काजू कतली, काजू कतली की चक्की, काजू गजक है ये। बहुत प्यारा है। कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला बजाए मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में थाने वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, चमकमय मोर मुकुट बिल।